तो हम अपनी क्लास फर्स्ट को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी के नए टॉपिक्स जो हमने बताया था कि पहली क्लास में हम आपको समास और वर्णमाला को पढ़ाएंगे, तो उसी में आगे चलते हुए वर्णमाला के बारे में समझते हैं कि वर्णमाला जो होती है उससे यूपी ट्रिपल एसएससी में काफ़ी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं जिसके अंतर्गत 11 स्वर आते हैं और 33 व्यंजन आते हैं। जो स्वर हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने, ह्रस्व और दीर्घ। जो ह्रस्व हैं उनको मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व कौन से होते हैं? ये चार होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रा ऋषि। और जो दीर्घ होते हैं ये संख्या में सात होते हैं, जो कि होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। तो इन सबको मिलाकर बनते हैं 11 स्वर, जो पेपर में कभी कभी पूछता है इसमें से मूल स्वर कौन से हैं या फिर पूछा दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो हमें पता चला कि हिंदी में 52 वर्णों में से 11 स्वर हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। संख्या में व्यंजन 33 हैं जिनमें से 25 स्वर व्यंजन आते हैं, 4 अंतस्थ आते हैं और 4 ही ऊष्म आते हैं। तो ये स्वर व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं कै वर्ग से लेकर पै वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो कहलाते हैं स्वर व्यंजन। उसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ये संख्या में 4 होते हैं जो इस प्रकार है, या, रा, ला और वा। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की भी। ये होते हैं स, शा, से और ह्या। तो इस कभी कभी एग्जाम पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आप इजीली बता देंगे कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। इसी को अब आगे बढ़ाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं जो इस प्रकार हैं, शा, त्रा, ग्या और शा। जो इसमें सा है ये मिलकर बनता है का प्लस सा से, त्राम बनता है ता प्लस रा से, ग्या बनता है जा प्लस अणा से और सा बनता है सा प्लस रा से। एग्जाम में आपको देगा ऑप्शन कि शा किस दो वर्णों से मिलकर बना है, या ग्या किन वर्णों से मिलकर बना है, या त्रा किन से मिलकर बना है, तो आप इजीली बता देंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है आयोग वा कौन से वर्ण होते हैं। आयोग वा वर्ण होते हैं आ और वड़ा अंग। इसके बाद कभी कभी पूछता है उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ड़ा और ढा। इसके बाद ये भी पूछ लेता है लूठित व्यंजन कौन सा है। लूठित व्यंजन कहलाता है रा और पार्श्विक व्यंजन कहलाता है ला। अब तक हमने जाना कि इसमें हर्ष दीर्घ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आयोग व उज्जिप्त है। इसके बाद चलते हैं हम कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं। कै वर्ग के आपके सामने लिखे का, खा, गा, घाड़ा। चा वर्ग के चा, छा, जा, झाड़ा। टा वर्ग के टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग के हैं ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग से हैं पा, फा, बा, भा, मा। इनको जानना इसलिए जरूरी है जब हम कभी व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा ये ही वर्ग हमारे काम में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं। तो ध्यान रखो प्रथम जो वर्ण हैं वर्ग के जो प्रथम दो वर्ण हैं वो कहलाते हैं अघोष। उसके बाद जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण बचता है वो कहलाता है सघोष। क्या बताया मैंने? दो वर्ण, प्रथम दो जो हैं वो अघोष हैं और अंतिम तीनों जो हैं वो सघोष हैं। इसके बाद बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण दो, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो कहलाता है आपका महाप्राण। और उसके साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, मतलब दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं महाप्राण। और अल्पप्राण कौन से कहलाते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अल्पप्राण। और इसी के साथ अल्पप्राण में आता अंतस्थ व्यंजन जो कि है या, रा, ला, वा। ये तो बात हुई कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। अब हम कभी कभी पूछ लेता है कै वर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। चा वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। टा वर्ग का किससे होता है? मूर्धन से। ता वर्ग का किससे होता है? दंत से। और पा वर्ग का होता है ओष्ठ से। इसी प्रकार आ और बड़ा, छोटा आ और बड़ा आ का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। छोटी ई, बड़ी ई का जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ का जो उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है। ए और बड़ा ए, इन दोनों का जो उच्चारण होता है कंठ प्लस तालव्य से होता है। रा ऋषि का जो होता है मूर्धा से होता है। आपको पता होना चाहिए मूर्धा से टा वर्ग के वर्णों का होता है। और उसके बाद ओ और बड़ा ओ का जो होता है कंठ
और ओष्ठ से मिलकर होता है, कंठोष्ठ से मिलकर इसका उच्चारण होता है। ये तो वर्णमाला से सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ किए जाएंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसके बाद चलते हैं हम समास, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम के नज़रिए से तीन या चार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो समास है वो दो शब्दों के योग से बना है। ध्यान दें, समास हमेशा दो शब्दों के योग से बनता है और जो संधि होता है वो दो वर्णों के योग से बनता है। कभी कभी पूछ लेता है समास और संधि में क्या अंतर है, यही अंतर है कि वो दो वर्णों से मिलकर बनती है संधि और ये दो शब्दों से मिलकर बनती है। संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। समझ में आया, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे गंगा जल, गंगा और जल दो शब्द हैं, इनसे मिलकर क्या बना, गंगा जल। तो ये हमने जाना समास किसे कहते हैं। उसके बाद समास में चार भेद होते हैं जो कि हैं द्वंद्व समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ये संख्या में चार है लेकिन छह माने जाते हैं क्योंकि जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास की पहचान ये होती है कि इसका प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है और द्वितीय पद जो होता है उसका संज्ञा होता है। अब अव्यय होता क्या है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, कारक और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मोटे तौर पर इनकी पहचान ऐसे भी की जा सकती है, जैसे जिस वर्ड के पहले प्रति, यथा, आ, वे और भर जैसे वर्ड शब्द लगे हों तो वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, बेसरम और भरपेट। ये तो बात हुई अव्ययी भाव समास की। अब आगे चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे पहली पहचान है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला पद ज्यादा वैल्यू रखता है या दूसरा पद कम वैल्यू रखता है, दोनों पद ही बराबर वैल्यू रखते हैं। और इसकी सबसे मोटी पहचान ये होती है जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसमें और या शब्द आता है, जैसे रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता। तो आप द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुत ही आसान है इसको पहचानना क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है जैसे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं लेकिन दोनों पद मिलकर एक अन्य अर्थ देते हैं। पहचान, जैसे हमें दिया जलज, जलज जलज मतलब जल से जो उत्पन्न हुआ है अर्थात कमल। हमें वर्ड अगर हमारे साथ दसानन, 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण, तो उसका दोनों शब्दों से मिलकर तीसरा अर्थ बने तो वहां कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। तीन समास के बारे में जाना। अब चौथे बारे में आते हैं कर्मधारय। ये भी बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है कि इसका जो प्रथम पद होता है वो होता है विशेषण और दूसरा पद जो होता है वो होता है विशेष्य। अब विशेष विशेषण क्या है, विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है, जैसे ये आदमी काला है, ये आदमी गोरा है, तो जो काला है वो उसका विशेषता है और जो आदमी है वो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है और जो विशेषता है वो विशेषण है। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा जो है वो विशेष्य है और जो काला है वो विशेषण है, ठीक है। अब जैसे हमने पहचान कर लिया कर्मधारय में, जैसे इसके उदाहरण है महाकवि, महाकवि महान है जो कवि, तो कवि कैसा है, महान है, कवि की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हुआ, कर्मधारय समास। महात्मा महान है जो आत्मा, इसमें आत्मा की पहचान बताई जा रही है, जो आत्मा है वो महान है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्मधारय समास। अब आगे चलते हैं द्विगु। द्विगु को पहचानना सबसे ही सरल है क्योंकि इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरा हुआ, या चौराहा, जहां चार ही रास्ते मिलते हों। तो पहली पहचान यही है कि इसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास, इसका अंतिम और मुख्य मुख्य समास। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसका जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब सारा का सारा जोर इसके अंतिम पद पे होता है। लेकिन एक और बात जानना जरूरी है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारकों का प्रयोग किया जाता है। वैसे कारक 8 से ज्यादा होते हैं लेकिन यहाँ पर 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता, कर्ता का चिन्ह है को, करण का चिन्ह होता है से, संप्रदान का चिन्ह होता है के, अपादान का जो कारक चिन्ह होता है से, संबंध का जो होता है कारक चिन्ह का, और अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है मैं या पर होता है,
अब इनका उदाहरण कैसे पहचाने तत्पुरुष समास है, जिस शब्दों में इन कारकों का प्रयोग होता है वहां पे ये तत्पुरुष समास होता है, जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला, रस भरा, रस से भरा हुआ, आपसे दिया देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, धनहीन, धन से हीन, गंगा जल, गंगा का जल, आप बीती, आप पर बीती, और नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। तो इजीली जहां इन कारकों का प्रयोग हुआ है हम पहचान सकते हैं वहां तत्पुरुष समास है। इसी के साथ हमारा वर्णमाला और समास की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं इसी प्रथम क्लास के नेक्स्ट चैप्टर पे।